जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये वीडियो मैं ट्रेन के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मेरे पीछे अगर बैकग्राउंड नॉइज़ हो जाती है तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बेस्ट टेक्निकल लेवल्स के बारे में, साथ में कल जिस स्टॉक की एक्सपायरी है उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं जो कुछ बता रहा हूँ अपने टेक्निकल अनुभव की वजह से और एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ। प्लीज़ इसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी रिसर्च 100% कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ऊपर क्या हो सकता है उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर और फिर हम बात करेंगे उस इंडेक्स के ऊपर जिसके ऊपर कल एक्सपायरी है। तो पहले बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर आप सबको पता है कि तीन सिनेरियो हम बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी अभी के लिए मेरे लिए साइडवेज कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरे लिए जो साइडवेज निफ्टी है वह है 24,823 से लेकर 24,855 ये जो सिनेरियो है ये मात्र 20 पॉइंट का है। अगर बीच में यहाँ पे निफ्टी कहीं खुलता है तो मैं जब तक इसको मतलब इसके अंदर एंट्री नहीं लूँगा, जब तक ये सिनेरियो मुझे कंफर्म ना हो जाए कि मार्केट में मूवमेंट आ रहा है या नहीं। आप सबको पता रहा है प्रीवियस कुछ वीक से मार्केट 100% साइडवेज चल रहा है। अगर इस सिनेरियो के अंदर यहाँ का निफ्टी रहता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, उसे करने की जरूरत नहीं है। 24,800 से लेकर 24,870 तक मान लीजिए ये जो पूरा एरिया है पूरा ये साइडवेज का है, तो इसमें प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। निफ्टी का टाइम पास करता है तो करने दीजिएगा, अपन के दौड़ के ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मुझे गैप अप कितना चाहिए। अगर मुझे निफ्टी गैप अप करती है तो मुझे गैप अप चाहिए 25,000 के ऊपर। कितना चाहिए? 25,000 के ऊपर। ये 25,000 का जो लेवल मैं बता रहा हूँ, 25,000 का जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक मंथली लेवल है, मंथली लेवल जो है वो है 24,994 पे। 6 पॉइंट की कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए मैं राउंड फिगर में 25 बता रहा हूँ। अगर 25 के ऊपर खुलता है और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस शो करता है तो फिर ऊपर जा सकता है, बट वहाँ ऊपर जाने के चांसेस इसलिए कम लग रहे हैं मुझे क्योंकि वहाँ कंटिन्यू नैरो रेंज बन रही है। अगर ऊपर खुलता भी है तो वहाँ टाइम पास कर सकता है। जब तक एंट्री मत लीजिएगा जब तक आपको कन्फर्म ना हो जाए कि अभी स्ट्रेंथ आ गई और अभी मूवमेंट ऊपर को देगा। ध्यान दीजिएगा सिस्टम के बारे में जितने भी क्लास है वो मैं कंप्लीट कर दिए, 2 क्लास मैंने अभी लिए। आई बटन को क्लिक कीजिएगा, वहाँ जाके वीडियो को देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं इस पर मुझे भेज दीजिएगा, मैं 100% उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गैप डाउन होने की। गैप डाउन कहाँ से कहाँ तक मैं मानता हूँ और कब मुझे ये लगेगा कि गैप डाउन है। मेरे लिए गैप डाउन है वो है 24,800 के नीचे अगर ये खुलता है कि वो कमज़ोर हो गया, मैं उसे कमज़ोर मानूंगा, मगर स्ट्रेंथ चेक करूंगा, सिस्टम पे स्ट्रेंथ चेक करूंगा। और मेरा जो पहला टारगेट रहता है वो रहता है 24,600 और मेरा सेकंड टारगेट है वो है 24,500 के नीचे भी के लेवल। तो 500 का नीचे है पर मैं नीचे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि 24,500 जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है और मुझे नहीं लगता कि मार्केट हाल फिलहाल यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। 24,500 की जो नीचे लेवल निकलता है वो निकलता है 24,461। तो ये नीचे के लेवल थे मैंने दे दिए, ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया है कब हो सकता है, साइडवेज कहाँ से कहाँ तक है निफ्टी के बारे में ये बता दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, हाई करके लिखिएगा, मेरी तरफ से 100% रिप्लाई मिलेगा। दूसरा, जो कोई भाई मेरा नया है जो अभी तक नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर है, उस पर जाइएगा। आपने वहाँ पर ट्रेडिंग विद यशवर्धन नहीं लिखना है, वहाँ पर लिखना है आपने @ यशवर्धन भाटी, इस नाम से आपने सर्च करना है। ट्रेडिंग विद यशवर्धन के नाम से जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पर एक फेक चैनल नजर आएगा, वो मेरा नहीं है। आपने सिर्फ जो सर्च मानना है वो मानना है @यशवर्धन भाटी, जब मारोगे वो चैनल हमारा है तो प्लीज़ उसी में जाइएगा। दूसरा जो चैनल है वो हमारा नहीं है, जिसमें लोग कॉल और पुट का गेम खेल रहे हैं, आपसे पैसे ले लेंगे, आपका स्कैम कर देंगे, तो मैं किसी भी वे में रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। यूट्यूब पे भी मेरे नाम से एक फ्रॉड चैनल चल रहा है तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं फ्रॉड के चक्कर में मत फंसिएगा, बाकी मर्जी आपकी है। रही क्लास की बात, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज है कि सर क्लास कब होती है, तो हमारी क्लास हर रोज़ शाम को 8:42 पर 42 मिनट्स में ऑलमोस्ट स्टार्ट होती है, जो रात की 10:30-11 बजे तक चलती है। तो जिस किसी को फ्री में लर्निंग करनी है वो मेरी इस पर आ सकता है। देखिए दोस्तों, मार्केट सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, मार्केट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो 2 पैसे कमा लोगे, नहीं करोगे तो दिन दूर नहीं जिस दिन मार्केट को आप गाली देके चले जाओगे। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मैं ये वीडियो ट्रेन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पीछे जो वॉइस आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम 3 सिनेरियो में बात करेंगे, गैप अप होने पर, गैप डाउन होने पर, साइडवेज कहाँ से कहाँ तक है। पहले हम बात कर लेते हैं साइडवेज कहाँ से कहाँ तक है। मेरे लिए जो प्रेजेंटली बैंक निफ्टी जो साइडवेज है वो है 50,627 से लेकर
50,850 तक। ये जो एरिया है ये साइडवेज का है, प्लीज़ अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी रहती है तो ट्रेड मत कीजिएगा, इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो रेंज है ये नैरो है और यहाँ फंसाने की 100% बैंक निफ्टी कोशिश करेगा। तो ध्यान दीजिएगा 50,627 से लेके 50,850 के बीच में अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में घुस जाता है, फंस जाता है, तो उसे फंसे रहने दीजिएगा, अपना कुछ काम कर लीजिएगा। काम भी लाइफ में ज़रूरी है, ट्रेडिंग तो होती ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, गैप अप कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अभी मैं पहले बात कर लेता हूँ गैप अप। मुझे गैप अप जो बैंक निफ्टी चाहिए कम से कम 51,000 के ऊपर चाहिए। जब तक 51,000 के ऊपर नहीं आता उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। क्यों? अगर यहाँ पे कहीं इस एरिया में खुलता भी है, जो वीकली लेवल है यहाँ पे अगर निफ्टी खुलता भी है, तो जो ऊपर जाएगा ना वो इतने फास्ट मूवमेंट से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा ट्रेड लेता है तो स्कैल्पिंग कर सकता है, बट ट्रेडिंग के चांसेस मुझे कम लगते हैं। ऊपर वीकली लेवल है, नीचे वेक्सली लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक बनता है। जहाँ से गिरा था वो वीकली लेवल था, जहाँ तक रुका है वो भी वीकली लेवल है। लेवल से ज़्यादा आप सबको पता है एचटी उसी लेवल पे रुका। हमारा लेवल जो था वो था 50,451 और उसने जो लो मारा है वो मारे 50,447। तो आप देख सकते हैं 0.001 का एरर आता हमारे लेवल्स में। लेवल प्रूव करने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। अब मैं बात कर रहा था कि अगर 50,451 के पास खुलता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, बट यहाँ पे जो जाएगा वहाँ पे उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी। अगर ऊपर का कोई ट्रेड लेता है तो ध्यान दीजिएगा, स्कैल्पिंग करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रेड तो तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर खुले, तभी ट्रेड बनता है। ध्यान सुन लीजिएगा, 51,000 के ऊपर खुले तभी बैंक निफ्टी में ट्रेड बनता है, तभी बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेंथ आ सकती है। या फिर एक और सिनेरियो यहाँ बनता है, वो बनता है अगर कल को मार्केट यहाँ 50,451 के पास होता है और यहाँ तक जाने में सक्सेसफुल हो जाता है, कहाँ तक फिर जाने की 51,000 के पास जाने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्या बनता है सर, एक रिवर्स बनता है। इस एरिया के अंदर एक रिवर्स बनता है, यहाँ से वापस आने के चांसेस भी लगते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर कल को बैंक निफ्टी 50,451 के पास खुलता है तो वो क्या कोशिश करेगा, एक बार 51,000 के पास जाएगा, यहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश करेगा। तो ये जो एरिया है ये भी स्कैल्पिंग का है, मगर यहाँ से जब मुड़ता है तो वहाँ हमें एक ट्रेड अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेड को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ स्कैल्पिंग कीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन होने पर कहाँ से, अगर कल को बैंक निफ्टी 50,451 के नीचे खुलता है, इस एरिया के नीचे खुल जाता है, तो फिर आपके लिए बल्ले बल्ले है। नीचे का जो लेवल है वो बहुत दूर है, वो लेवल पहला लेवल जो निकलता है वो निकलता है 970, ठीक है। ये लेवल को नोट कर लीजिए, 49,970 का लेवल है। तो ये रैली पकड़ने योग्य है, यहाँ पे गैप भी बहुत बड़ा है और मार्केट में वीकनेस भी नज़र आ रही है। अगर इसके नीचे खुलता है तो आराम से नीचे का ट्रेड लीजिएगा, मज़े लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा तो मैं जब लाइव आऊँगा तो आप लोगों की हेल्प 100% करूँगा। अभी बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है आपकी कल एक्सपायरी है मिड कैप की। तो मिड कैप के ऊपर क्या हो सकता है, उसके ऊपर क्या सिनारियो बनता है, इन सब के ऊपर बात कर लेते हैं मिड कैप के ऊपर क्या हो सकता है। मिड कैप का बहुत दो लेवल है, दोनों बहुत अच्छे हैं। ऊपर का लेवल भी अच्छा है और बीच का कोई लेवल अभी हाल फिलहाल दिख नहीं रहा है। ऊपर का जो लेवल है वो है 13,158 का, ये लेवल है 13,158 का, बढ़िया लेवल है। ध्यान दीजिएगा, मिड कैप अगर इसके ऊपर खुलता है तो ऊपर जाने के पोटेंशियल लगता है, अगर नीचे आना है तो फिर इसको 12,960 के नीचे खुलना पड़ेगा, गैप डाउन खुलना पड़ेगा, ये लेवल वो है। अभी बात करते हैं अगर वो खुलता है 13,000 पे तो क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, 13,000 पे अगर खुलता है तो ऊपर के ऑलमोस्ट 70 पॉइंट और नीचे के 70 पॉइंट ये आपके लिए क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है। ऊपर का जो 70 पॉइंट है वो 13,070 है और नीचे का जो आपका 70 पॉइंट की जो रेंज बनती है वो आपकी बनती है 12,960 से लेके और 13,000 के बीच में। ये जो एरिया है इस एरिया में अगर खुलता है तो नो ट्रेडिंग जोन के जैसे ये रहेगा, वैसा वो आप घुसने की जरूरत है नहीं। इसको अगर नीचे गिरना है तो आपको खुलना पड़ेगा 13,000 के नीचे, जो 13,000 का लेवल बनता है वो ऑलमोस्ट यहाँ बनता है जहाँ मैंने अभी लाइन खींची है। अगर इसको ऊपर जाना है तो सीधा सा सिनारियो है वो जो बनता है वो 13,158 के ऊपर ही बनता है इस एरिया के अंदर। इस एरिया के अंदर रहता है तो फिर क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन का ये एज ए नो ट्रेडिंग जोन एक्ट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसके नीचे खुलता है तो यहाँ तक आप सिर्फ स्कैल्पिंग करिएगा। यहाँ पे जो लेवल है वो मंथली लेवल है, अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। आराम से स्ट्रेंथ को चेक करना, सिस्टम को चेक करना और प्रॉफिट को टेल करना। उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स आपके काम आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप इन लेवल से कमा रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही गए होंगे, उनको ले लीजिएगा, हाई करके लिख दीजिएगा, मेरी तरफ से 100% आपकी हेल्प होगी। मिलते हैं, अगर मैं शाम को पहुंच गया तो मिलते हैं शाम को क्लास में, नहीं पहुंचा तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा की तरह की बात दोस्तों, खुशियां बांटिए, प्रॉफिट के पीछे नहीं लॉस के पीछे भागिए, प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।